होगा कि ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर को जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे। पेजा धमाके से पूरे लेबनान में दहशत फैली हुई है, तो पुतिन ने इससे भी बड़ा धमाका, उससे भी बड़ी जंग की तैयारी कर ली है, बड़ी बड़े धमाके की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि पुतिन की करीब 23 लाख की फौज अब यूक्रेन में युद्ध लड़ने जा रही है। पुतिन ने सेना के कमांडर्स को ये ऑर्डर भी जारी किया है कि सेना की संख्या बढ़ाई जाए। रूस की बढ़ी हुई सेना के बाद ये चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज बन जाएगी। लड़ाई की लपटों में जलते यूक्रेन के लिए बहुत बुरी खबर है। जेलेंस्की के लिए पुतिन ने चक्रव्यूह रच दिया है। ढाई साल से जारी युद्ध का फैसला अब आने ही वाला है। पुतिन ने सेना को वो हुक्म सुनाया है कि यूक्रेन की फौज कांप गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक डिक्री जारी की है, आसान भाषा में कहें तो आदेश, जिसमें कहा गया है कि देश के सशस्त्र बलों में जवानों की संख्या 23,89,130 कर दी जाए। इसमें 15 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल भी होंगे। पूरी दुनिया में पुतिन के इस फैसले की चर्चा हो रही है। डिटेल देखें उसके पहले इस खबर को सिर्फ 4 पॉइंट में समझ लीजिए। अब लंबा नहीं खिंचेगा रूस यूक्रेन युद्ध। 28 दिसंबर तक रूस यूक्रेन जंग का फैसला पक्का। पुतिन का रूस की आर्मी को लेकर बहुत बड़ा फैसला। 23,80,000 की विशाल सेना के साथ पुतिन करेंगे यूक्रेन पर चढ़ाई। पुतिन बनाने जा रहे हैं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। रूस एक बार फिर अपनी सेना में इजाफा करने जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ऑर्डर के मुताबिक रूस की सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इससे रूस की आर्मी में कुल सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 23,80,000 हो जाएगी। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख होगी। Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому पुतिन को सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या सिर्फ यूक्रेन जंग के लिए पुतिन ने इतना बड़ा फैसला लिया है, या 32 नेटो देशों से एक साथ टकराने की इच्छा के साथ पुतिन ने फौज की तादाद बढ़ाने का निर्णय लिया है? सवाल तो ये भी है कि जब कहा जा रहा है कि युद्ध हाईटेक है, जहां ड्रोन फाइट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हार या जीत तय होगी, वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला पुतिन ने क्यों लिया? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े देखिए कि पुतिन सेना की संख्या बढ़ाते हैं तो रूस कहां से कहां पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक चीन के पास करीब 20 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी हैं, भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव और अमेरिका के पास 13 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। रूस 1,80,000 नए सैनिकों की भर्ती करता है तो एक्टिव सैन्य कर्मियों की संख्या के लिहाज से वो चीन के बाद नंबर 2 का देश बन जाएगा। रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से पुतिन ने तीसरी बार सेना के रैंकों का विस्तार किया है। ये तब हुआ है जब रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रही है और यूक्रेन की सेना को अपने कुर्स्क क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। रूस की संसद के निचले सदन की रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कार्तपोलो के मुताबिक
सक्रिय सैनिकों की संख्या में वृद्धि सशस्त्र बलों के आकार को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। रूस के उत्तर पश्चिम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई सैन्य इकाइयां बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहां फिनलैंड के साथ हमारी सीमा लगती है जो नेटो में शामिल हो गया है। रूस दुनिया का ऐसा देश है जिसकी सीमा दुनिया के सबसे ज्यादा 18 देशों से लगती है। इनमें से केवल 8 ही पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। रूस की सीमा पर फिनलैंड ही नहीं, पोलैंड, छोटे छोटे देश जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया जैसे देश नेटो के मेंबर हैं, और यूक्रेन नेटो में एंट्री के लिए पुतिन से जंग तक लड़ रहा है। इन देशों से जंग होती है तो जीतने के लिए लाजमी है रूस को बड़ी फौज की जरूरत है। लेकिन यूक्रेनी युद्ध में रूस के सैनिकों की जिस स्तर पर मौत हुई है उससे पुतिन को नई भर्ती की जरूरत पड़ गई दिख रही है। रूस की सेनाएं इस समय पूर्वी यूक्रेन से सटी 1000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा में लगी है। यूक्रेन के सैनिकों और उनके साथ मिलकर लड़ रहे नेटो के जवानों का पीछा करने में लगी है। दावा किया जा रहा है कि जंग में रूस के करीब 2,00,000 सैनिकों की मौत हुई है, यही नहीं करीब 40,000 सैनिक जख्मी हो चुके हैं। यही कारण है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग की शुरुआत होने के बाद ये तीसरी बार है जब पुतिन ने सेना का आकार बढ़ाया है। पुतिन ने अगस्त 2022 में 1,37,000 सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया था। इससे रूस की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 2,000,000 से ज्यादा हो गई थी। इसमें 11,50,000 एक्टिव सैनिक थे। इसके बाद दिसंबर 2022 में रूस की सेना में 1,70,000 और सैनिक बढ़ाए गए। इससे कुल एक्टिव आर्मी 13,02,000 हो गई, और अब तीसरी बार सेना का आकार बढ़ाने से एक्टिव सैनिकों की संख्या 15,00,000 हो जाएगी। नए सैनिकों की भर्ती दिसंबर में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की संख्या बढ़ाने का पुतिन का ये आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले महीने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना घुस गई थी। यूक्रेन ने रूस के करीब 1,175 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब रूस ने इतनी जमीन गंवाई। अब रूस ने अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कुर्स्क के कई इलाकों में संग्राम छिड़ा। इस बीच रूस ने पूर्वी डोनबास इलाके के शहर पोक्रस्क पर कब्जा करने के लिए हमले बढ़ा दिए हैं। Була доповідь головкома сирського. Тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції окремо і детально щодо курської операції. І кожен день діємо саме так. पुतिन जंग तो जेलेंस्की से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जंग जीत जाते हैं तो इसका असर विश्वव्यापी होगा, दूर तक और देर तक असर दिखाएगा। क्योंकि जमीन पर रूस के फौज के सामने भले ही यूक्रेन के सैनिक खड़े हों, इन सैनिकों के पास हथियार नेटो देशों के हैं। मिसाइलें, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, ड्रोन सब पश्चिमी देशों से मिले हैं। लिहाजा पुतिन के लिए असली चुनौती ज़ेलेंस्की नहीं नेटो है, जिसके जंग में हार अमेरिका की हार होगी, पश्चिमी देशों की हार होगी। और जाहिर है ये जंग जीतनी है तो इसके लिए सैनिक चाहिए, इतने कि उनके डिप्लॉयमेंट के वक्त आर्मी जनरल को सोचना नहीं पड़े। पुतिन नए सैनिकों की भर्ती करके यही कर रहे हैं, और इसका नतीजा होगा कि रूस सैनिकों की संख्या में दुनिया में नंबर 2 का देश बन जाएगा। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन की है, जिसके पास 20,35,000 की एक्टिव आर्मी है। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसके पास 14,56,000 एक्टिव आर्मी है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 13,28,000 की एक्टिव आर्मी है। चौथे नंबर पर रूस है, जिसकी एक्टिव आर्मी है 13,20,000। पांचवें नंबर पर उत्तर कोरिया है, जिसकी एक्टिव आर्मी है 13,20,000। एक्टिव आर्मी के लिहाज से छठा बड़ा देश इस वक्त यूक्रेन है, जिसकी संख्या 9,00,000 है। सातवें नंबर पर है पाकिस्तान, जिसके पास 6,54,000 की एक्टिव आर्मी है। आठवां नंबर है ईरान का, जिसके पास 6,54,000 की एक्टिव आर्मी है। एक्टिव आर्मी में 6,00,000 सैनिकों के साथ
दक्षिण कोरिया नंबर 9 पर है और 10वें स्थान पर है वियतनाम, जिसके पास 6 लाख की एक्टिव आर्मी है। ये आंकड़े जनवरी 2024 के हैं। सैनिक क्षमता किसी भी देश के लिए जंग जीतने की गारंटी नहीं होती, लेकिन इससे जो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है उसका जवाब दुश्मन के पास नहीं होता। अब सवाल यह है कि फरवरी 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तब भी सैनिकों की भर्ती की जरूरत पड़ी। रूस की युवा शक्ति ने फौज में जाने के लिए तत्परता नहीं दिखाई। यहाँ तक कि तस्वीरें आई कि युवा भर्ती के डर से देश छोड़ने लगे, खुद को जख्मी तक करने लगे। खबर तो ये भी आई कि फौज की कमी पूरा करने के लिए पुतिन ने जेल में कैद अपराधियों तक को मोर्चे पर भेजा। भाड़े के सैनिक भी विदेशों से बुलाए गए। चेचेनिया के रमजान कादिरफ की आर्मी को इकट्ठा किया गया। तो पुतिन ने जो नया ऐलान किया है कि 1,80,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, वो कहां से करेंगे? क्योंकि इन सैनिकों को भले ही बाद में बैरक में भरा जाए, लेकिन अभी तो उन्हें सीधे यूक्रेन के मोर्चे पर ही लगाया जाएगा, जहां जख्मी होने की आशंका है, मारे जाने का डर है।